मोदी की एक चाल ने पाकिस्तान चीन समेत कई देशों को किया चेत। अमेरिका इसराइल संयुक्त अरब अमीरात ने मोदी को कहा धन्यवाद। ताइवान पर हमले से पहले चाइना को कई बार सोचना होगा। अमेरिका ने हासिल की ड्रैगन को ध्वस्त करने वाली मिसाइल। दोस्तों आज के वीडियो में हम इन्हीं सब खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिख दीजिए। दोस्तों आज सारे देश देख रहे हैं किस तरीके से भारत बदल रहा है। भारत लगातार आत्मनिर्भर बन रहा है, जिसके बाद से पड़ोसी देशों में भारत को लेकर हलचल देखने को मिल रही है। कई देशों को पता चल गया है कि भारत अब वो भारत नहीं रहा जो आज से पहले था। पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत लगातार विदेशों में अपना झंडा ऊंचा कर रहा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब किसी भी देश में कोई भी प्रोग्राम हो उसमें सभी देशों की तरह भारत को भी निमंत्रण मिलने लगा है, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं था। भारत दूर दूर तक दूसरे देशों के साथ बैठते नहीं दिखाई देता था, लेकिन अब भारत भी सभी देशों के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। इसका जीता जागता सबूत आज हुई चार देशों के ग्रुप I2U2 समूह का पहला शिखर सम्मेलन में मिला। इस बैठक में पीएम मोदी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इसराइल के पीएम यायर लापिड और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने भी हिस्सा लिया। अब आइए जानते हैं क्या है I2U2। दरअसल चार देशों के इस समूह को I2U2 नाम दिया गया है क्योंकि इसमें एक आई इंडिया और इसराइल के लिए यू, यूएस यूई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल 18 अक्टूबर 2021 को चार देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में I2U2 समूह की संकल्पना पेश की गई थी, जिसके बाद इसका गठन किया गया था। ये गठबंधन मुख्यतः छह क्षेत्र पानी, ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों अब इसमें एजेंडा क्या रहा है इस पर बात कर लेते हैं। तो इसमें चारों नेताओं ने नई समूह की रूपरेखा पर बात की है और सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को चिन्हित किया है। इस बैठक में यूक्रेन युद्ध के कारण उपजे वैश्विक खाद्य और ऊर्जा संकट समेत क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया है। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो अमेरिका ने लॉकहीड मार्टिन कॉप्स हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अमेरिकी हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन की ओर से बनाए गए इस हाइपरसोनिक मिसाइल का इससे पहले दूसरी बार सफल परीक्षण किया गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना तेज उड़ान भरने में सक्षम है। अमेरिका ने इस हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण ऐसे समय में किया है जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। अमेरिका को डर है कि रूस परमाणु हमले जैसा कदम भी उठा सकता है, जिसके चलते यूएस खुफिया एजेंसी 24 घंटे रूसी परमाणु शस्त्रागार की निगरानी कर रही है। अमेरिका के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। रूस और चीन भी हाइपरसोनिक हथियार को विकसित करने में तेजी से काम कर रहा है, ऐसे में अमेरिका के लिए ये बड़ी चिंता की बात है। मीडिया में आ रही खबरों की माने तो अमेरिकी वायुसेना ने मंगलवार को कैलिफोर्निया तट से अपने एयर लॉन्च रैपिड रिस्पांस वेपन बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना यानी कि लगभग 6200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ सकती है। लगातार हाइपरसोनिक हथियार का परीक्षण कर रहा अमेरिका। अमेरिका की डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यानी कि DARPA ने हाल ही में इस तरीके की एक और हाइपरसोनिक हथियार को परीक्षण किया था। लॉकहीड मार्टिन क्रॉप हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद अमेरिका अपनी सुपर पावर वाली जगह फिर से काम करने में कामयाब हुआ है, क्योंकि रूस और चीन के आगे बढ़ने से अमेरिका महाशक्तिशाली हथियारों की दौड़ में पिछड़ रहा था। ऐसे में चीन के लिए ये किसी बड़ी टेंशन से कम नहीं है, क्योंकि चीन इन दिनों ताइवान पर कब्जा को लेकर अपनी रणनीति तेज कर दिया है, जिस पर अमेरिका का कहना है अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो उसकी रक्षा वो करेगा। इसी को लेकर दोनों देशों के बीच काफी समय से तकरार तेज है, लेकिन अमेरिका के द्वारा की गए इस हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद अब चीन को काबू करने में पहले से आसान होगा। दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देकर सटीक निशाने लगा सकती है ये मिसाइल। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद और चीन के बढ़ते कदम के बीच अमेरिका लगातार हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है। इससे पहले भी वो कई बार हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर चुका है। ये दुश्मन देशों के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में माहिर है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल एक ग्राउंड लॉन्च सिस्टम है जो दुश्मन के आधुनिक हवाई सुरक्षा क्षेत्र में तेजी से और सटीक निशाना लगा सकता है। अब आइए जानते हैं कितनी तरीके की होती है हाइपरसोनिक मिसाइलें। आपको बता दें कि चीन की तरफ से 11 ICBM हाइपरसोनिक मिसाइल होती है, जिनमें एयर बैलिस्टिक, ग्लाइड व्हीकल और क्रूज मिसाइल शामिल है। हाइपरसोनिक एयर बैलिस्टिक मिसाइल को विमान से गिराया जाता है जो रॉकेट का इस्तेमाल कर हाइपरसोनिक गति प्राप्त करती है और फिर अपने बैलिस्टिक गुणों का अनुकरण करती है, जिसका मतलब है बिना ऊर्जा के रास्ता तय करती है। यूक्रेन के किंजल में हमले के लिए रूसी बलों ने जिस प्रणाली का इस्तेमाल किया था वो एयर बैलिस्टिक मिसाइल थी। रूस को 100 ड्रोन की सप्लाई करने जा रहा ईरान, अमेरिका ने दी चेतावनी। दोस्तों रूस और यूक्रेन के बीच 5 महीने से भीषण जंग जारी है। इस बीच ईरान ने रूस को ड्रोन देने का फैसला किया है। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस इन ड्रोनों का इस्तेमाल करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा ईरान यूक्रेन में युद्ध के लिए संभावित रूप से सैकड़ों ड्रोन रूस को देने की योजना बना रहा है। इसमें से कुछ ड्रोन लड़ाकू क्षमताओं के साथ हैं। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक ने कहा है मिली जानकारी से पता चलता है ईरान रूसी बलों को ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षित करने की तैयारी कर रहा है।
आपको बता दें कि ड्रोन यूक्रेन और रूस दोनों के लिए चल रहे युद्ध का अभिन्न अंग रहे हैं। पिछले हफ्ते ही यूक्रेन ने अपने युद्ध प्रयासों में सहायता के लिए अमेरिका से हजारों ड्रोन दान करने की अपील की थी। जैक ने कहा कि अमेरिका को मिली खुफिया जानकारी इस विचार का समर्थन करती है कि पूर्वी यूक्रेन पर रूस का हमला अपने हथियारों की रखरखाव की कीमत पर आ रहा है। उन्होंने देखा कि ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल पहले यमन के हुती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब पर हमला करने के लिए किया गया था। एक महीने पहले ईरान की सेना ने अपनी ताकत दिखाने के लिए मिसाइलों से लैस ड्रोन की फोटो जारी की थी। ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर ड्रोन की फोटो दिखाई गई। इतना ही नहीं, ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने तेहरान के पास दुनिया के सबसे घातक ड्रोन होने का दावा भी किया है। इसमें कहा गया है ये ड्रोन एक खुफिया बेस में रखे गए हैं। हालांकि बेस की लोकेशन कहाँ है ये किसी को पता नहीं है। रिपोर्ट्स में कहा गया है ये बेस कैरमनसा शहर से 40 मिनट की दूरी पर हो सकता है। हमने 1980 में ड्रोन बनाना शुरू कर दिया था। इस समय ईरान इराक के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। नहीं झुकेगा रूस, पुतिन ने दिखाई महाविनाशक मिसाइल की ताकत। दोस्तों यूक्रेन में भीषण जंग जारी है और दूसरी तरफ फिनलैंड और स्वीडन को लेकर नाटो के साथ चल रहे तनाव के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका यूरोपीय देश समेत दुनिया के तमाम देशों को एक बार फिर से अपनी शक्ति का परिचय कराया है। रूस के पास एक से एक महाविनाशक मिसाइलें हैं जिसे अमेरिका ब्रिटेन जैसे ताकतवर देश भी थर्राता है। जानकारी के मुताबिक रूसी सेना के यार्स अंतर महाद्वीपीय मिसाइल से साइबेरिया की जंगलों में जंग का अभ्यास किया है। ये इतना घातक मिसाइल है कि ब्रिटेन पर आसानी से अपना निशाना बना सकता है। रूस के इस मिसाइल की रेंज 12,000 किलोमीटर बताया जा रहा है। ये अगर अमेरिका को निशाना बनाकर चलाया जाए तो वहाँ तबाही मच जाएगी। पुतिन की सेना ने ये मिसाइल अभ्यास ऐसे समय पर किया है जब रूस के पूर्व राष्ट्रपति दमित्री मेद्रेव ने युद्ध अपराध में रूस को दंडित किए जाने पर मानवता के अस्तित्व के खात्मे की धमकी दी है। आपको बता दें कि पुतिन दुनिया के ऐसे शक्तिशाली राष्ट्रपति में से एक हैं जो अपनी जुनून के आगे किसी की नहीं सुनते हैं। वो अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचाने की ताकत रखते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण यूक्रेन जंग है जहां अमेरिका यूरोप जैसे देश पुतिन को झुकाने के प्रयासों में दिन रात जुटी हुई है। इससे पुतिन को कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। वे और भी अधिक उग्र होकर यूक्रेन में जंग को और तेज कर दिया है और दुनिया को यार्स जैसे खतरनाक मिसाइल चलाकर दिखा दिया है कि रूस अभी भी शक्तिशाली है और वो किसी को भी चुटकियों में खत्म कर सकता है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा इस अभ्यास में करीब 100 हथियार हिस्सा ले रहे हैं। रूस के रणनीतिक मिसाइल फोर्स ने यार्स रूट मोबाइल मिसाइल सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह तैनात किए जाने का अभ्यास किया। इस दौरान रूसी सैनिकों ने मिसाइल के साथ अपने युद्ध कौशल और जंग के अंदर छिप जाने का अभ्यास किया। रूसी सैनिकों को तबाही मचाने, लॉन्च एरिया में खोज करने और दूषित इलाके से निकलने का भी अभ्यास किया। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी परमाणु सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। दोस्तों अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीद कर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।